आज हम लोग सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर लॉ मेकर पार्कुजिट का जो इंक्लूसिव डेफिनेशन को प्रोवाइड किया है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन का एंड पोर्शन में प्रोविसो को प्रोवाइड किया था लॉ मेकर ने, वो प्रोविसो को स्टडी एंड एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। देखो हम लोगों का सीरीज वन वाला जो स्टडी मटेरियल है, सीरीज वन वाला स्टडी मटेरियल का जो पेज नंबर 53 है, पेज नंबर 53 का स्टार्टिंग में सैलरी का इंक्लूसिव डेफिनेशन को प्रोवाइड किया गया है सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 1 के अंडर मिला आपको सैलरी का इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड होने में पेज नंबर 53 में मिडिल पोर्शन में आपको मिलेगा परक्विजिट का इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है। देखो आपको दिखाते हैं परक्विजिट का इंक्लूसिव डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है और परक्विजिट का इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंडर बेसिकली सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 8 कवर्ड होता है। सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 8 के अंडर डिफरेंट आइटम्स को परक्विजिट कंसीडर किया गया अंडर सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2। देखो दिस इज सब क्लॉज नंबर 1, इस तरीके से स्टार्ट होता है। सब क्लॉज नंबर 8 तक 8 सब क्लॉजेस नहीं है, 9 सब क्लॉजेस है, क्योंकि आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 7 के बाद सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 7A आता है, डायरेक्टली 8 नहीं आता है, तो इसलिए 9 सब क्लॉजेस है। सब क्लॉज नंबर 8 के बाद एक प्रोविसो को प्रोवाइड किया लॉ मेकर ने। सब क्लॉज नंबर 8 आपको दिखाते हैं स्टडी मटेरियल को कौन सा तरीका से आपको स्टडी करना पड़ेगा वो आपको बता रहे। दिस इज सब क्लॉज नंबर 8। सब क्लॉज नंबर 8 के बाद प्रोविसो आ रहे सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 8 सब क्लॉज नंबर 8 के बाद आ रहे प्रोविसो। प्रोविसो को एक बार स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। देखिए लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू। दिस क्लॉज का मतलब क्या है, दिस क्लॉज का मतलब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2। यहां पे सेक्शन नंबर 17 टू 8 के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 8 जो है वो तो कोई क्लॉज नहीं है, वो तो सब क्लॉज है। स्टूडेंट्स बताता है कि दिस पर्टिकुलर जो 8 है 8 का प्रोविसो है, 8 का प्रोविसो नहीं सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का प्रोविसो है, क्योंकि 8 कोई क्लॉज नहीं है, 8 सब क्लॉज है। और लॉ मेकर बात कर रहे प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज, इसका मतलब सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का प्रोविसो हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, ये बात ध्यान देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का प्रोविसो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखो बात किया जा रहा है नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, इसका मतलब आप अंडरस्टैंड करोगे सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 के अंडर जो प्रोविसो है, प्रोविसो में जितना सारा आइटम्स को कवर किया गया है, बेसिकली प्रोविसो के अंडर 7 क्लॉजेस है, क्लॉज नंबर 1 से क्लॉज नंबर 7 7 क्लॉजेस के अंडर जितना सारा आइटम्स को कवर किया गया वो सारा आइटम्स को परक्विजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखो वो 7 क्लॉजेस के अंडर जितना सारा आइटम्स है, जब आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे परक्विजिट का इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंडर ऑफ फिट हो रहे, मतलब सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 8 के अंडर ऑफ फिट हो रहे। प्रोविसो के अंडर 7 क्लॉजेस में जितना सारा आइटम्स को कवर किया गया वो सारा आइटम्स सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 8 के अंडर कवर्ड हो रहे आप देखोगे, फिर भी परक्विजिट का इंक्लूसिव डेफिनेशन से लॉ मेकर वो सारा आइटम्स को एक्सक्लूड किया, और एक्सक्लूड करने के लिए दिस पर्टिकुलर प्रोविसो को लॉ मेकर ने बनाया था। बात आपको समझ में आ गया। अच्छा परक्विजिट का जो जनरल सेंस में आप डेफिनेशन जानते हो कैसा जानते हो, अब बताओगे कि परक्विजिट का तो मतलब होता है एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट पहुंचाना, एम्प्लॉयर का कॉस्ट में एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट पहुंचाना। हाँ वो पर्सनल बेनिफिट डायरेक्टली एम्प्लॉय को पहुंचा सकते हैं, और हो सकता है कि एम्प्लॉय का घर वालों को मिला है, तो मतलब अल्टीमेटली तो एम्प्लॉय को ही मिला है, तो एम्प्लॉयर का कॉस्ट में एम्प्लॉय को पर्सनल बेनिफिट, वो पर्सनल बेनिफिट ऑब्वियसली लीगल नेचर का होना चाहिए, ऑथराइज्ड नेचर का होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय छुप छुप के ले लिया हो बेनिफिट, ऐसा नहीं है। तो एम्प्लॉयर का कॉस्ट में एम्प्लॉय को ऑथोराइज्ड मतलब लीगल नेचर का पर्सनल बेनिफिट पहुंचाना चाहिए, नंबर वन। और आप जानते हो कि परक्विजिट हो सकता है फैसिलिटी नेचर का, मतलब काइंड में भी परक्विजिट प्रोवाइड किया जा सकता है, परक्विजिट प्रोवाइड किया जा सकता है कैश में भी, तो परक्विजिट कैश में भी हो सकता है, परक्विजिट काइंड में भी हो सकता है। एंड आप और भी जानते हो कि परक्विजिट ना मिलने में, परक्विजिट तो एक पर्सनल बेनिफिट है, वो पर्सनल बेनिफिट ना मिलने में एम्प्लॉय का जो नॉर्मल खर्चा है, उनका जो डे टू डे खर्चा है, वो खर्चा ज्यादा होने का चांसेस था,
ज्यादा होने का चांसेस था, पर क्विजिट मिलने में उसका खर्चा कम हो गया। क्लियर? एंड पर क्विजिट मिलता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का कंटिन्यूएंस में मिलता है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और वो पर क्विजिट ऐसा जरूरी नहीं कि रेगुलरली मिल रहा है, जैसा अलाउंस में एक रेगुलर कैरेक्टर होता है, बट परक्विजिट में कैरेक्टर, परक्विजिट का कैरेक्टर रेगुलर भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, मतलब कभी कभी मिले ऐसा भी आइटम हो सकता है परक्विजिट। तो ये सब आप जानते हो परक्विजिट। अच्छा देखो, परक्विजिट में आपने बताया कि काइंड नेचर का भी हो सकता है और कैश नेचर का भी हो सकता है। परक्विजिट अगर काइंड में है, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, परक्विजिट अगर कैश में प्रोवाइड किया जा रहा है तो ऑब्लिगेशन भी हो सकता है और रीइंबर्समेंट भी हो सकता है। ऑब्लिगेशन रीइंबर्समेंट में फर्क क्या जानते हो? आप बताओगे कि अगर एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का घर में एक स्वीपर को अपॉइंट कर दिया, एम्प्लॉय का फैमिली के लिए एक स्वीपर को अपॉइंट कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर अगर स्वीपर को अपॉइंट कर दिया तो ये तो हो गया फैसिलिटी। तो ऐसा सिचुएशन में एम्प्लॉय के जो बेनिफिट हो रहे हैं वो परक्विजिट है, वो फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट है, क्योंकि उसको जो पर्सनल बेनिफिट प्रोवाइड किया गया वो क्लाइंट में प्रोवाइड किया गया, एक स्वीपर प्रोवाइड किया गया। बट अगर ऐसा ना होकर एम्प्लॉय खुद ही स्वीपर को अपॉइंट कर ले और स्वीपर का जो सैलरी है वो एम्प्लॉयर पे करे, तो ऐसा सिचुएशन में एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर मेट कर रहे, तो वो परक्विजिट ऑब्लिगेशन टाइप का परक्विजिट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि स्वीपर को अपॉइंट तो किया एम्प्लॉय ने एंड एम्प्लॉय खुद ही स्वीपर का सैलरी पे कर दिया, बट बाद में जाके वो पैसा का रीइंबर्समेंट ले लिया एम्प्लॉयर से। तो ऐसा सिचुएशन में हम बताएंगे कि रीइंबर्समेंट वाला परक्विजिट। तो परक्विजिट फैसिलिटी वाला भी हो सकता है, ऑब्लिगेशन वाला भी हो सकता है, रीइंबर्समेंट वाला भी हो सकता है। इसके बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी किया ही है। अभी देखो सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 के अंडर जो प्रोविजो आप स्टडी करोगे, वो प्रोविजो में जो सात क्लॉजेस है, सात क्लॉजेस के अंडर जो डिफरेंट आइटम्स कवर्ड हो रहे हैं, वो सब डिफरेंट आइटम्स को स्टडी करने में आपको लगेगा वो सारा आइटम्स परक्विजिट का जो जनरल सेंस में डेफिनेशन आप जानते हो वो डेफिनेशन में फिट हो रहे हैं। और वो इधर तो फैसिलिटी नेचर वाला परक्विजिट लग रहे और ऑब्लिगेशन नेचर वाला परक्विजिट लग रहे और रीइंबर्समेंट नेचर वाला परक्विजिट लग रहे, फिर भी लॉ मेकर ने बता दिया कि इसको परक्विजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब वो सारा आइटम्स सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 8 का इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंडर फिट होने के बाद भी उसको इंक्लूसिव डेफिनेशन का स्कोप से लॉ मेकर ने एक्सक्लूड कर दिया सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 के अंडर प्रोविजो को इंसर्ट करके। क्लियर? तो आइए प्रोविजो का स्टडी डिटेल में स्टार्ट करते हैं। एंड प्रोविजो को डिटेल में स्टडी करने में बेसिकली आपको एक कॉमन थीम मिलेगा। देखो प्रोविजो के अंडर जो सात क्लॉजेस है क्लॉज नंबर 1 से क्लॉज नंबर 7, वो सात क्लॉजेस के अंडर जितना सारा आइटम्स कवर्ड हो रहे वो सारा आइटम्स एक कॉमन थीम के ऊपर बेस्ड है। वो कॉमन थीम आप खुद आगे आइडेंटिफाई कर पाओगे, फिर भी हम पहले से बता रहे वो कॉमन थीम इज दैट मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। रिलेटेड बेनिफिट का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट तो समझ में आता है, ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने बियर किया, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का घर वालों का ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने बियर किया। रिलेटेड बेनिफिट का मतलब क्या है? रिलेटेड बेनिफिट का मतलब एम्प्लॉय का घर वालों का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। और अगर आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे, आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट लेने के लिए जो पेशेंट जा रहे वो पेशेंट का आने जाने का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे मतलब भारी बीमारी हुआ है तो पेशेंट अकेला तो नहीं जाएगा, पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट जाएंगे, अटेंडेंट का आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिलेटेड बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, जो सारा बेनिफिट प्रोविजो का क्लॉज नंबर 1 से क्लॉज नंबर 7 के अंडर कवर हो रहे उसको परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। बात आपको समझ में आ गया? तो आइए हम लोग क्लॉज नंबर 1 का स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्लॉज नंबर 1 में बात किया जा रहा है दी वैल्यू ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 8 के अंडर अगर ऐसा टाइप का फ्रेज आप काउंटर करते वैल्यू ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, तो आप ऑब्वियसली उसको फैसिलिटी नेचर वाला परक्विजिट कंसिडर कर लेते थे। देखो जो ऑब्लिगेशन और रीइंबर्समेंट नेचर वाला परक्विजिट होता है उसमें जो बेनिफिट होता है एम्प्लॉय को, वो बेनिफिट का वैल्यू अपेरेंटली आइडेंटिफाइबल होता है, तो वैल्यू अपेरेंटली आइडेंटिफाइबल होता है इसलिए उसका वैल्यूएशन का जरूरत नहीं होता है। बट जो फैसिलिटी नेचर वाला परक्विजिट होता है वो तो काइंड में प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका बेनिफिट का वैल्यू अपेरेंटली आइडेंटिफाइबल नहीं होता है।
तो इसलिए उसका वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है और वैल्यूएशन पर्पस के लिए वैल्यू वर्ड मेंशन रहता है और वैल्यूएशन पता करने के लिए हम लोग रेलिवेंट रूल को विजिट करते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? बट यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, आगे जाके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैसा टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट का बेनिफिट को एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए उसको प्रोविसो का क्लॉज नंबर 1 में डाला गया है। आगे स्टडी करो, मिल जाएगा कैसा टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट। द वैल्यू ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर का मेंटेन किया हुआ हॉस्पिटल में एम्प्लॉई और मेंबर ऑफ हिज फैमिली का इलाज हो जाता है, ऐसा सिचुएशन में एम्प्लॉई को अल्टीमेटली जो बेनिफिट पहुंचा रहा है वो बेनिफिट का वैल्यू को परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात कर रहे हैं प्रोविसो का क्लॉज नंबर 1। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी आप जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी मेंबर ऑफ हिज फैमिली को काउंटर कर रहे हो, सेम टाइप का और एक टर्मिनोलॉजी को आपने ऑलरेडी काउंटर किया था जब आप फैसिलिटी नेचर वाला परक्विजिट का वैल्यूएशन पर्पस के लिए डिफरेंट रेलेवेंट रूल्स को स्टडी कर रहे थे। फैसिलिटी नेचर वाला परक्विजिट का वैल्यूएशन पर्पस के लिए आप स्टडी करते हो रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 1 से रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 9 तक। देखो रूल नंबर 3 के अंडर 10 सब रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 1 से सब रूल नंबर 10 तक। बट आप तो वैल्यूएशन पर्पस के लिए फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट का वैल्यूएशन पर्पस के लिए स्टडी करते हो रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 1 से सब रूल नंबर 9 तक। तो वो डिफरेंट रूल्स को स्टडी करने के टाइम में आपने एक सेम टाइप का टर्मिनोलॉजी को काउंटर किया था, वो था मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड। मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड याद आ रहे? हम आपको याद दिला रहे, जो रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 7 था, रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 7 का क्लॉज नंबर 1 था, वो क्या था अब याद करो, वो था अगर एम्प्लॉयर और नहीं तो एम्प्लॉयर का बिहाफ में और कोई पर्सन एम्प्लॉय को और नहीं तो मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड को इंटरेस्ट पे लोन और कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड कर दे, ऐसा सिचुएशन में एम्प्लॉय को अल्टीमेटली जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट का परक्विजिट वैल्यूएशन के लिए डेडिकेटेड था रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 7 क्लॉज नंबर 1। बात याद आ रहे? तो मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड का मतलब आपने क्या स्टडी किया था उस टाइम में, आप बताओगे? रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 1 से सब रूल नंबर 10 के बाद रूल मेकर ने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था और एक्सप्लेनेशन में 7 टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन किया गया था। वो 7 टर्मिनोलॉजीज में से जो 4 नंबर वाला टर्मिनोलॉजी था वो था मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड, और मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड का मतलब वहां पे एक्सप्लेन किया गया था कि नंबर 1 स्पाउस, सेकंड चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउस, थर्ड पेरेंट्स एंड फोर्थ में आते थे सर्वेंट्स एंड अदर डिपेंडेंट्स। याद आ रहे? मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड का मतलब हाँ, बट अभी मेंबर ऑफ हिज फैमिली लिखा हुआ है तो फैमिली का मतलब अंडरस्टैंड करना है। देखो अभी तो आप स्टडी कर रहे हो प्रोविसो को, सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का प्रोविसो, सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 एंड होने में मतलब प्रोविसो के बाद एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है लॉ मेकर ने, एंड वो एक्सप्लेनेशन के अंडर लॉ मेकर 3 टर्मिनोलॉजीज को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया था फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2। सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का पर्पस का मतलब सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का एंटायर कंटेंट का पर्पस के लिए। एंटायर कंटेंट क्या होता है सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का? सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 के अंडर जो 9 सब क्लॉजेस है, सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 के अंडर जो प्रोविसो है हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंटली, एंड वो प्रोविसो के अंडर जो 7 क्लॉजेस है, सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का एंटायर कंटेंट का पर्पस के लिए लॉ मेकर ने एक्सप्लेनेशन को इंसर्ट किया था सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का एंड में। एक्सप्लेनेशन में 3 टर्मिनोलॉजीज को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया गया, कौन कौन सा 3 टर्मिनोलॉजीज? नंबर 1 हॉस्पिटल, सेकंड फैमिली, थर्ड ग्रॉस टोटल इनकम। देखो फैमिली का मतलब लिखा गया है कि सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 5 जो होता है, सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 5 क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन और लीव ट्रैवल असिस्टेंस के रेस्पेक्ट में एग्जिमिशन का प्रोविजन होता है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 5 में। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 5 के अंडर फैमिली को जो एक्सप्लेन किया गया था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, ये बात कर रहे हैं लॉ मेकर। सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 5 में लॉ मेकर ने एक्सप्लेन किया था फैमिली को इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में फैमिली का मतलब होता है इंडिविजुअल कौन? इंडिविजुअल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में फैमिली को इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि नंबर 1 इंडिविजुअल का जो स्पाउस होता है एंड चिल्ड्रन होता है वो नंबर 1 में आएगा, सेकंड आएगा इंडिविजुअल का जो पेरेंट्स से, ब्रदर से एंड सिस्टर से, अगर वो पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो है वो होली एंड मेनली डिपेंडेंट है इंडिविजुअल के ऊपर, तब इंडिविजुअल का मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हस्बैंड के कंटेक्स्ट में फैमिली का मतलब क्या है, वाइफ के कंटेक्स्ट में फैमिली का मतलब क्या है।
लिखा गया था इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में फैमिली का मतलब नंबर वन इंडिविजुअल का स्पाउस इंडिविजुअल का चिल्ड्रन सेकंड लिखा गया था इंडिविजुअल का पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स अगर वो पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर्स इंडिविजुअल के ऊपर होली एंड मेनली डिपेंडेंट है तो बात आपको समझ में आ गया क्लियर है हॉस्पिटल का मतलब लिखा गया था हॉस्पिटल इंक्लूड्स उसमें नर्सिंग होम आएगा डिस्पेंसरी आएगा ये सब आएगा ये बात लिखा गया था बात क्लियर और जो ग्रॉस टोटल इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब बेसिकली सेक्शन नंबर 80B5 बेसिक क्लास में हम लोगों ने बात किया था ना कि ग्रॉस टोटल इनकम को डिफाइन किया जाता है सेक्शन नंबर 80B5 में तो लिखा गया था 80B5 में ग्रॉस टोटल इनकम का जो मतलब है वही मतलब आप अंडरस्टैंड कर लें तो हम लोगों ने प्रोविजन के अंडर क्लॉज नंबर 1 को स्टडी कर लिया क्लॉज नंबर 1 बात कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर का मेंटेन किया हुआ कोई हॉस्पिटल में एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का फैमिली का कोई मेंबर का ट्रीटमेंट होता है तो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट हो रहे हैं वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा बात समझ में आ गया नेक्स्ट सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का प्रोविजो का सेकंड क्लॉज क्या बात कर रहे हैं एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई तो एम्प्लॉई ने एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया था और वो एक्सपेंडिचर को पे कर दिया कौन एम्प्लॉयर ने देखो सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का प्रोविजो का जो फर्स्ट क्लॉज है फर्स्ट क्लॉज अगर परक्विजिट होता वो तो परक्विजिट है नहीं एम्प्लॉयर का मेंटेन किया हुआ हॉस्पिटल में अगर एम्प्लॉय का और एम्प्लॉय का फैमिली का कोई मेंबर का ट्रीटमेंट हो जाता है वो ट्रीटमेंट को परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा बट अगर वो परक्विजिट होते तो कैसा नेचर का परक्विजिट होते अब बताओ वो फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट होते तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज फैसिलिटी अभी तो ये परक्विजिट है नहीं बट हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए सेकंड जो लिखा गया है एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय कौन सा पर्पस के लिए एम्प्लॉय ने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जो एक्सपेंडिचर का पेमेंट एम्प्लॉय ने कर दिया लिखा गया ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली तो एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट और एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉय ने जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया वो एक्सपेंडिचर को पे कर दिया एम्प्लॉय कौन सा मोड में पे कर दिया हो सकता है ऑब्लिगेशन मोड में पे कर दिया हो सकता है रीइंबर्समेंट मोड में पे कर दिया तो ये ऑब्लिगेशन भी हो सकता है रीइंबर्समेंट भी हो सकता है अगर ये परक्विजिट होता तो ऑब्लिगेशन नेचर का परक्विजिट होता और नहीं तो रीइंबर्समेंट नेचर का परक्विजिट होता अभी तो ये परक्विजिट है नहीं बात आपको समझ में आ रहा है अच्छा एम्प्लॉय ने जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ हुआ था देखो लिखा गया ए में लिखा गया ए को फॉलो कीजिए ए में लिखा हुआ है इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट मिला को इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय दिस गवर्नमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज तो बेसिकली बात किया जा रहा है कि अगर एम्प्लॉय खुद का मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टेन किया है और नहीं तो फैमिली का कोई मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टेन किया है बट कहाँ से ऑप्टेन किया है गवर्नमेंट का मेंटेन किया हो कोई हॉस्पिटल में से ऑप्टेन किया है गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है क्लियर तो गवर्नमेंट का मेंटेन किया हो कोई हॉस्पिटल में से मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टेन किया गया और नहीं तो लोकल अथॉरिटी का मेंटेन किया हो कोई हॉस्पिटल में से मेडिकल ट्रीटमेंट को ऑप्टेन किया गया लोकल अथॉरिटी का मतलब बहुत बार डिस्कस किया है म्यूनिसिपैलिटी पंचायत वगैरह कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह तो म्यूनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड पंचायत वगैरह जो लोकल अथॉरिटी होता है लोकल अथॉरिटी का मेंटेन किया हुआ कोई हॉस्पिटल में से अगर मेडिकल ट्रीटमेंट को ऑप्टेन किया गया और नहीं तो अदर कोई हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया अपना एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए ऐसा कोई हॉस्पिटल वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है वहाँ से अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टेन किया गया बात आपको समझ में आ रहा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए एम्प्लॉय ने जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है वो एक्सपेंडिचर का पेमेंट अगर अल्टीमेटली एम्प्लॉयर ने कर दिया है क्योंकि लिखा हुआ था एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय ने जो एक्सपेंडिचर को एक्चुअली इनकर्ड किया है उसके रेस्पेक्ट में अल्टीमेट पेमेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया चाहे ऑब्लिगेशन मोड के थ्रू चाहे रीइंबर्समेंट मोड के थ्रू तो एम्प्लॉय के जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा बात समझ में आ गया नेक्स्ट बी में मेंशन किया जा रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड डिजीजेस और एलिमेंट्स तो प्रेस्क्राइब डिजीजेस और एलिमेंट्स का मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टेन किया गया था एम्प्लॉय खुद के लिए ऑप्टेन किया था नहीं तो अपना फैमिली का कोई मेंबर के लिए ऑप्टेन किया था कौन सा हॉस्पिटल से ऑप्टेन किया गया था लिखा गया इन एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय दी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स PCIT CCIT देखो
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो हायरार्की होता है, वो हायरार्की को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे जब हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम को स्टडी करेंगे। अभी दिस स्टेज में, दिस पर्टिकुलर स्टेज में वो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो अभी आप इतना याद रखो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो हॉस्पिटल को अप्रूव किया है प्रिस्क्राइब डिजीज और एलिमेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पज के लिए, वो हॉस्पिटल से अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टेन किया गया था, एम्प्लॉय ने खुद के लिए ऑप्टेन किया था, नहीं तो अपना फैमिली का कोई मेंबर के लिए ऑप्टेन किया था, तो वो ट्रीटमेंट पर्पज के लिए एम्प्लॉय ने एक्चुअल में जितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, वो एक्सपेंडिचर का अल्टीमेट पेमेंट अगर एम्प्लॉय ने कर दिया, चाहे ऑब्लिगेशन मोड के थ्रू कर दिया, चाहे रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू कर दिया है, ऐसा सिचुएशन में एम्प्लॉय को जो बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट को हम लोग टैक्सेबल परक्विजिट कंसिडर नहीं करेंगे, अगर एम्प्लॉय ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच कर दिया, एक रिसिप्ट अटैच कर दिया। कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा रिसिप्ट, नीचे प्रोवाइसो में लिखा गया है, बी का जो प्रोवाइसो है उसमें आ जाइए। देखिए क्या लिखा जा रहा है, प्रोवाइडेड दैट, मिला आपको, इन ए केस फॉलिंग इन सब क्लॉज नंबर बी, सब क्लॉज नंबर बी आपको समझ में आ रहा है, सब क्लॉज नंबर बी के पर्पस के लिए ये प्रोवाइसो एप्लीकेबल है, क्लियर। देखो बात किया जा रहा है, दी एम्प्लॉय शैल अटैच विद हिज रिटर्न ऑफ इनकम इज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को अटैच करना जरूरी है, और किसको अटैच करना जरूरी है, एक रिसिप्ट को अटैच करना जरूरी है। रिसिप्ट कहाँ लिखा गया, देखिए लिखा गया एंड द रिसिप्ट, मिला आपको। अच्छा सर्टिफिकेट में मेंशन क्या रहेंगे, सर्टिफिकेट में मेंशन होना जरूरी है, सर्टिफिकेट कहाँ से ऑप्टेन किया गया है, हॉस्पिटल से ऑप्टेन किया गया, कौन सा हॉस्पिटल, वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जो हॉस्पिटल को अप्रूव किया था प्रिस्क्राइब डिजीज और एलिमेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, जहां से एम्प्लॉय ने मेडिकल ट्रीटमेंट को ऑप्टेन किया, वो हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट लिया गया, और उस सर्टिफिकेट को अटैच करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। सर्टिफिकेट में मेंशन क्या रहेंगे, मेंशन रहेंगे स्पेसिफाइंग द डिजीज और एलिमेंट फॉर विच मेडिकल ट्रीटमेंट वाज रिक्वायर्ड, बात आपको समझ में आ रही है। और रिसिप्ट में क्या चीज मेंशन रहेगा, एम्प्लॉय ने एक्चुअल में जितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है उसके बारे में क्लेम कर रहे उतना अमाउंट हॉस्पिटल को मिल गया है। देखिए लिखा गया द रिसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड टू द हॉस्पिटल, बात आपको समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर प्रेस्क्राइब डिजीजेस और एलिमेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर का अप्रूव किया हुआ हॉस्पिटल में, और वो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए एम्प्लॉय ने एक्चुअल में जितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया था, वो एक्सपेंडिचर का अल्टीमेट पेमेंट अगर एम्प्लॉय ने कर दिया, चाहे रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू चाहे ऑब्लिगेशन मोड के थ्रू, तो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, अगर एम्प्लॉय अपना रिटर्न ऑफ इनकम के साथ एक सर्टिफिकेट एंड एक रिसिप्ट अटैच कर देंगे। तो सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा, रिसिप्ट हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा कि प्रिस्क्राइब डिजीज और एलिमेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी था, एंड रिसिप्ट में लिखा रहेगा कि कितना का अमाउंट हॉस्पिटल को मिल गया है, मतलब वो एम्प्लॉय ने जितना एक्सपेंडिचर इनकट कर रहे वही अमाउंट वहाँ पे मेंशन होना जरूरी है, नहीं तो कैसे होगा, बात आपको समझ में आ रहा है। तो जितना अमाउंट मेंशन रहेंगे उसके रिस्पेक्ट में बेनिफिट को परक्विजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सी को स्टडी करेंगे, सी में लिखा गया इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इलनेस रिलेटिंग टू COVID-19 सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट स्पेसिफाई इन दिस बी आप। तो एक्चुअल क्वेश्चन अराइज करेगा, जो नोटिफिकेशन के बारे में बात किया जा रहा है वो नोटिफिकेशन एक्चुअल में इशू हुआ है क्या, यस इशू हुआ है। नोटिफिकेशन का नंबर है 90/2022 और नोटिफिकेशन का जो डेट था, नोटिफिकेशन डेटेड 5th August 2022, बात आपको समझ में आ रहा है। नोटिफिकेशन में कौन से सारा कंडीशंस को स्पेसिफाई किया गया, तीन कंडीशंस को स्पेसिफाई किया गया। नंबर वन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास सबमिट करेंगे COVID-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट, और अगर COVID-19 क्लिनिकली डायग्नोसिस हुआ था मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू तो COVID-19 का मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करेंगे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास, नंबर वन कंडीशन। सेकेंड, COVID-19 जो डायग्नोसिस हुआ था, डायग्नोसिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, COVID-19 का ट्रीटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, COVID-19 का रिलेटेड जो इलनेस था वो रिलेटेड इलनेस का ट्रीटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास सबमिट करेंगे। देखो तीन चीज बता रहे, COVID-19 डायग्नोसिस हुआ था उसका डॉक्यूमेंट्स, COVID-19 का ट्रीटमेंट हुआ था उसका डॉक्यूमेंट्स, COVID-19 रिलेटेड इलनेस का ट्रीटमेंट हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स। आपको जरूर याद रहेगा कि कोई इंसान अगर COVID-19 से सफर करते थे तो COVID-19 ठीक हो जाने के बाद भी रिलेटेड इलनेस से वो लॉन्ग टाइम सफर करते थे,
तो रिलेटेड इलनेस का जो ट्रीटमेंट होता है उसका डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, रिलेटेड इलनेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जिस दिन डायग्नोसिस हुआ है उस दिन से 6 महीने तक जो रिलेटेड इलनेस का ट्रीटमेंट हुआ है उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर के पास। थर्ड, देखो COVID-19 रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर, COVID-19 का ट्रीटमेंट रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है एंड COVID-19 रिलेटेड इलनेस का ट्रीटमेंट रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग सर्टिफिकेट एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास सबमिट करेंगे। बात समझ में आया? तो 5th August 2022 डेट में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 90/2022 को ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश करके कंडीशंस को स्पेसिफाई किया था, और कंडीशंस में बेसिकली 3 बेसिक कंडीशंस डाला गया था। नंबर 1, COVID-19 का पॉजिटिव रिपोर्ट, और अगर COVID-19 क्लिनिकली डायग्नोसिस हुआ था मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू तो COVID-19 का मेडिकल रिपोर्ट एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास सबमिट करेंगे। सेकंड, COVID-19 जो डायग्नोसिस हुआ था डायग्नोसिस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, COVID-19 का जो ट्रीटमेंट हुआ था वो ट्रीटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, COVID-19 रिलेटेड इलनेस का जो ट्रीटमेंट हुआ था वो ट्रीटमेंट रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास सबमिट करेंगे। थर्ड, COVID-19 का जो ट्रीटमेंट हुआ था, COVID-19 रिलेटेड इलनेस का जो ट्रीटमेंट हुआ था वो ट्रीटमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर का सर्टिफिकेट एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के पास सबमिट करेंगे। बात आपको समझ में आ गया? तो देखो प्रोविजो के अंडर जो क्लॉज नंबर 2 है, क्लॉज नंबर 2 का ABC हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्लॉज नंबर 3, एंड क्लॉज नंबर 3 एंड क्लॉज नंबर 4 दोनों ही बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड जो बेनिफिट्स एम्प्लॉय ड्रॉ करता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड बेनिफिट्स को एम्प्लॉय के लिए परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आप लोग आ जाइए, एक एक करके हम लोग क्लॉजेस को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्लॉज नंबर 3 को स्टडी करेंगे। क्लॉज नंबर 3 में क्या लिखा गया? एनी पोर्शन, मिला आपको एनी पोर्शन ऑफ द प्रीमियम पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉई टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ सच एम्प्लॉई अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द IRDA फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज नंबर 1B ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 36। देखो सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1B होता क्या है? दिस इज बेसिकली रिलेटिंग टू PGBP चैप्टर। PGBP में आप लोग जानते हो PGBP इनकम कंप्यूटेशन में PGBP एम्प्लॉय के एंगल से कंप्यूट किया जाता है। अभी सैलरी चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं एम्प्लॉय के एंगल से, PGBP इनकम कंप्यूट किया जाता है एम्प्लॉयर के एंगल से। PGBP इनकम जब एम्प्लॉयर कंप्यूट करते हैं तो रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर को लेस करते हैं। अलग अलग एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में अलग अलग सेक्शन डेडिकेटेड है, अलग अलग सेक्शन के अंडर अलग अलग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन को लॉ मेकर ने परमिशन दिया है। बट सेक्शन नंबर 36 ऐसा एक सेक्शन है जो एक अम्ब्रेला सेक्शन है, मतलब उसके अंडर छोटा छोटा बहुत सारा एक्सपेंडिचर का डिडक्शन लॉ मेकर ने परमिट किया है। सेक्शन नंबर 36 के अंडर कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर कवर नहीं होता है, बहुत सारा छोटा छोटा एक्सपेंडिचर जो होता है उसको डिडक्ट करने का परमिशन सेक्शन नंबर 36 के अंडर लॉ मेकर ने प्रोवाइड किया है। तो सेक्शन नंबर 36 को बोला जाता है आधा डिडक्शन। तो आधा डिडक्शन, दिस पर्टिकुलर नेम का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा है? देखो सेक्शन नंबर 36 का हेडिंग लॉ मेकर ने प्रोवाइड किया आधा डिडक्शंस। सेक्शन नंबर 36 से पहले जितना भी डिडक्शन वाला सेक्शंस अवेलेबल है PGBP चैप्टर के अंडर, वो सब अलग अलग सेक्शन में स्पेसिफिक अलग अलग एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने का परमिशन लॉ मेकर ने ग्रांट किया। बट सेक्शन नंबर 36 के अंडर कोई एक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने का परमिशन लॉ मेकर ने ग्रांट किया ऐसा बात नहीं है, एक से ज्यादा बहुत सारा एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन का परमिशन एक साथ सेक्शन नंबर 36 में लॉ मेकर ने ग्रांट कर दिया। सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 के अंडर डिफरेंट क्लॉजेस आपको मिलेगा, अलग अलग क्लॉज में अलग अलग एक्सपेंडिचर का डिडक्शन का परमिशन है। तो सेक्शन नंबर 36 के अंडर बहुत सारा एक्सपेंडिचर्स का डिडक्शन का परमिशन लॉ मेकर ने एक साथ ग्रांट कर दिया, इसीलिए सेक्शन नंबर 36 का नाम लॉ मेकर ने प्रोवाइड किया आधा डिडक्शन वाला सेक्शन। तो इससे ज्यादा स्वीटेबल और कोई नियम हो ही नहीं सकता था। बात आपको समझ में आया? सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1B जो होता है वो बेसिकली बताता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। देखिए आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में ध्यान देना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयज जब काम करता है, एम्प्लॉयज अपना गोल्डन टाइम एम्प्लॉयर को डिवोट करता है, डेडिकेट करता है। अगर वही एम्प्लॉय जाके भविष्य में बीमार पड़ जाए, उनका कोई हेल्थ इश्यूज अराइज कर जाए, तो वो हेल्थ इश्यूज को टेक केयर करने का अल्टीमेट ड्यूटी बोलो लायबिलिटी बोलो वो एम्प्लॉयर का होना चाहिए। एम्प्लॉयर इसको मानते हैं। एम्प्लॉयर क्या करते हैं? एम्प्लॉयर इंडिविजुअली एक एक एम्प्लॉय का हेल्थ इश्यूज को मैनेज करना वायबल कंसिडर नहीं करता है, इसलिए वो क्या करते हैं इतना सारा एम्प्लॉयज के लिए
हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑप्टेन कर लेते। मार्केट में जो इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट करते हैं वो सारा इंश्योरेंस कंपनीज ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को चलाता है। ऑब्वियसली वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो होता है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो होता है, वो IRDA और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड स्कीम होता है। तो ऐसा कोई अप्रूव्ड स्कीम को ऑप्टेन कर लेते, ऐसा कोई अप्रूव्ड स्कीम ऑप्टेन करने में उस स्कीम के अंडर प्रीमियम पे करने का लायबिलिटी एम्प्लॉयर के पास आता है। एम्प्लॉयर वो लायबिलिटी को फुलफिल करता है, एम्प्लॉयर टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करता है। भविष्य में जाके अगर कोई भी एम्प्लॉय का हेल्थ इश्यूज अराइज कर जाए तो ट्रीटमेंट वगैरह का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देते हैं। बात आपको समझ में आए? तो देखो, एम्प्लॉयर ने जो हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड प्रीमियम पे करते हैं वो तो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है। वो खर्चे का डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलना चाहिए अपना PGBP इनकम कंप्यूटेशन में। रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर लेस करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना वो भी तो एक्सपेंडिचर है, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिलना चाहिए। लॉ मेकर बता रहे हैं कि हाँ, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करते हैं एम्प्लॉय के लिए, उसका डिडक्शन हम एम्प्लॉयर को अलाउ करेंगे PGBP इनकम कंप्यूटेशन में, अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अदर देन कैश में पे हुआ है तो, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू पे हुआ है तो। ये बात लिखा गया है सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1B में। तो सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1B का कंडीशन को सक्सेसफुली सेटिस्फाई करते हुए एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर पाएंगे अपना PGBP इनकम कंप्यूटेशन में PGBP रेवेन्यू से। एंड वो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया है वो तो सारा एम्प्लॉयज के लिए एक साथ पे कर दिया, लमसम पे किया, बट वो लमसम अमाउंट के अंडर अलग अलग एम्प्लॉय का रिलेटेड पोर्शन प्रोपोर्शनेट अमाउंट तो इंक्लूडेड है ना। तो एक एम्प्लॉय के लिए जितना पोर्शन डेडिकेटेड है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है। लॉ मेकर बता रहे कि वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1B का कंडीशन को सक्सेसफुली सेटिस्फाई किया एम्प्लॉयर ने तो एम्प्लॉयर को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रेस्पेक्ट में डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब एम्प्लॉयर अपना PGBP रेवेन्यू से वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा को डिडक्शन के रूप में क्लेम कर पाएंगे। ऐसा सिचुएशन में वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में जितना सारा एम्प्लॉयज का प्रीमियम इंक्लूडेड है वो एक एक एम्प्लॉय के लिए जितना पोर्शन डेडिकेटेड है वो पोर्शन वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। बात आपको समझ में आ गया? यहाँ पे केवल एम्प्लॉय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट चार नंबर को देखो। चार नंबर में क्या लिखा गया? एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर, आपको एम्प्लॉयर वर्ड मिला, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉई, आपको एम्प्लॉई वर्ड मिला, टू एफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन हिज हेल्थ। हिज हेल्थ का मतलब क्या है? हिज हेल्थ का मतलब है हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉई और द health of any member of his family under any scheme, कौन से scheme? Insurance scheme के बारे में बात किया जा रहा है, approved by the central government or the IRDA for the purposes of section number 80D. देखो, last time हम लोग जब proviso का clause number 3 को discuss कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि employees का health issues manage करने के लिए employer ने इंश्योरेंस स्कीम ऑप्टेन किया था और इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए है वो बेनिफिट को टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट कंसीडर नहीं किया गया था। अभी दिस टाइम क्लॉज नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज खुद का हेल्थ इश्यूज मैनेज करने के लिए और फैमिली का मेंबर का हेल्थ इश्यूज मैनेज करने के लिए खुद ही इंश्योरेंस स्कीम को ऑप्टेन किया है और वो इंश्योरेंस स्कीम ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट और IRDA से अप्रूव स्कीम है और उस स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन में आप लोग जानती हो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट के रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता है टोटल इनकम कंप्यूटेशन में। ग्रॉस टोटल इनकम से जो कॉमन डिडक्शन मिलता है कॉमन डिडक्शन के अंडर सेक्शन नंबर 80D का डिडक्शन होता है। सेक्शन नंबर 80D का डिडक्शन बेसिकली रिलेटेड होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट से रिलेटेड होता है। देखो, आप लोग तो ये भी जानते हो कि इंडिविजुअल का इनकम जो होता है वो नॉर्मल इनकम भी हो सकता है और वो स्पेशल इनकम भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल का नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है वो रेट ऑफ टैक्स के केसेस में बेसिकली दो रिजिम चलता है, एक तो न्यू टैक्स रिजिम दूसरा ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोला जाता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो न्यू टैक्स रिजिम से बाहर आ सकते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर आ सकते हैं, बाहर आके ओल्ड टैक्स रिजिम मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजिम को ऑप्ट कर सकते हैं।
और ऑप्शनल टैक्स रिजिम के केस में सेक्शन नंबर 80D का डिडक्शन अवेलेबल होता है, न्यू टैक्स रिजिम के केस में सेक्शन नंबर 80D का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता है, वो तो अलग बात है। मेन पॉइंट हियर इज दैट कि एम्प्लॉइज खुद का हेल्थ इश्यूज मैनेज करने के लिए, फैमिली का मेंबर का हेल्थ इश्यूज मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस स्कीम ऑप्टेन किया और वो इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट सेक्शन नंबर 80D का डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ऐसे सिचुएशन में वो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट एम्प्लॉय ने कर दिया है, उसका रीइंबर्समेंट अगर एम्प्लॉयर कर देते तो वो रीइंबर्समेंट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट तो जरूर है, बट वो बेनिफिट को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात कर रहे क्लॉज नंबर 4। देखो क्लॉज नंबर 3 एंड क्लॉज नंबर 4 में जो आइटम स्पेसिफाइड है, वो आइटम अगर परक्विजिट होता, वो तो परक्विजिट है नहीं, बट अगर वो परक्विजिट होता तो कैसा नेचर का परक्विजिट होता। क्लॉज नंबर 3 में जो आइटम स्पेसिफाइड है, वो आइटम अगर परक्विजिट होते तो वो तो फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट होना चाहिए था, यस और नो। क्लॉज नंबर 4 में जो आइटम स्पेसिफाइड है, वो अगर परक्विजिट होते तो वो तो रीइंबर्समेंट वाला परक्विजिट होना चाहिए था। क्लियर? देखो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्लॉज नंबर 3 के साथ क्लॉज नंबर 4 का फर्क कहां है। क्लॉज नंबर 3 में बताया गया था कि एम्प्लॉइज का हेल्थ इश्यूज मैनेज करने के लिए एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑप्टेन किया है और उसके तहत इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे थे, तो ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट जो है वो एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिट तो जरूर है, बट वो बेनिफिट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट नहीं है। बट अगर परक्विजिट होते तो कैसा नेचर का परक्विजिट होते। एम्प्लॉइज का हेल्थ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहे तो फैसिलिटी काइंड नेचर का परक्विजिट होता है एम्प्लॉइज के लिए, इसलिए मैंने फैसिलिटी से उसको आइडेंटिफाई किया। क्लियर? नेक्स्ट 4 में क्या लिखा गया। 4 में लिखा गया एम्प्लॉइज का हेल्थ इश्यूज मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉइज का फैमिली मेंबर का हेल्थ इश्यूज मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय ने खुद हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑप्टेन किया, उसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट सेक्शन नंबर 80D का डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। ऐसा सिचुएशन में वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट एम्प्लॉय ने कर दिया है ऑलरेडी, वो प्रीमियम का रीइंबर्समेंट अगर एम्प्लॉयर कर देते तो वो रीइंबर्समेंट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट तो जरूर है, वो बेनिफिट होने के बाद भी उसको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बता रहा है क्लॉज नंबर 4। बात आपको समझ में आ गया। तो सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का जो प्रोविजो है, प्रोविजो के अंडर जो क्लॉज नंबर 3 एंड क्लॉज नंबर 4 है, वो दोनों क्लॉजेस के बीच में एक्चुअल डिफरेंशिएशन आप क्रिएट कर पा रहे हो। क्लॉज नंबर 3 तो बात कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज का हेल्थ इश्यूज को मैनेज करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को ऑप्टेन किया है एंड वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है एंड वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट एम्प्लॉयर के लिए सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 1B के थ्रू डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाता है। ऐसा सिचुएशन में वो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड बेनिफिट एम्प्लॉय को हो रहे, एम्प्लॉय के लिए वो बेनिफिट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कंसीडर नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का प्रोविजो का जो क्लॉज नंबर 4 है, प्रोविजो का क्लॉज नंबर 4 बात कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय खुद अपना हेल्थ को मैनेज करने के लिए, एम्प्लॉय तो एक इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपना हेल्थ को मैनेज करने के लिए, अपना हेल्थ इश्यूज को मैनेज करने के लिए एंड अपना फैमिली का मेंबर का हेल्थ इश्यूज को मैनेज करने के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को ऑप्टेन किया है एंड वो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा वो इंडिविजुअल के लिए सेक्शन नंबर 80D के अंडर डिडक्टेबल है, ऐसा सिचुएशन में वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट एक्चुअल में एम्प्लॉय ने इंश्योरेंस कंपनी को किया है, उसका रीइंबर्समेंट अगर एम्प्लॉयर से मिल जाता है तो एम्प्लॉय के लिए वो रीइंबर्समेंट बेनिफिट तो जरूर है, बट वो बेनिफिट को टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात आपको समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट क्लॉज नंबर 6 में बात किया जा रहा है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन 1, 2, 3। 1, 2, 3 में एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए तीन पर्पसेस को लॉमेकर ने मेंशन किया है। एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए जो तीन पर्पसेस को लॉमेकर ने मेंशन किया है, वो तीन पर्पसेस के लिए अगर एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे तो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके बारे में बात कर रहा है क्लॉज नंबर 6। आगे जाके जब क्लॉज नंबर 7 को देखोगे, क्लॉज नंबर 7 में भी वो सेम तीन पर्पसेस मेंशनड है जो तीन पर्पसेस मेंशनड है क्लॉज नंबर 6 में। हम आपको दिखाते हैं, आप लोग क्लॉज नंबर 7 में आ जाओ, क्लॉज नंबर 7 में आ जाओ। देखो क्लॉज नंबर 7 में क्या बात किया जा रहा है, एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉई
फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर सिक्स। तो क्लॉज नंबर सिक्स में जो पर्पस स्पेसिफाइड है वो पर्पसेस के लिए एम्प्लॉय ने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर दिया, बट एम्प्लॉयर ने उसका पेमेंट अल्टीमेटली कर दिया है, इसके बारे में बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर सेवन। क्लॉज नंबर सिक्स एंड क्लॉज नंबर सेवन में एक्चुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्लॉज नंबर सिक्स बात कर रहे हैं कि क्लॉज नंबर सिक्स में एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए जो तीन पर्पसेस को स्पेसिफाई किया गया है, वो तीन स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए एम्प्लॉयर अगर एक्सपेंडिचर इनकर करते तो एम्प्लॉय को जो बेनिफिट होता वो बेनिफिट को पार्कुजिट कंसिडर किया नहीं जाता, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। ऐसा सिचुएशन में आप मुझे बताइए, अगर वो बेनिफिट पार्कुजिट होते तो कैसा टाइप का पार्कुजिट होते? एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर ने एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे तो कैसा नेचर का पार्कुजिट होते? ऑब्वियसली फैसिलिटी नेचर का पार्कुजिट होते, अभी वो पार्कुजिट है नहीं, बट अगर पार्कुजिट होता तो कैसा नेचर का पार्कुजिट होता? फैसिलिटी नेचर का पार्कुजिट होता। क्लॉज नंबर सेवन क्या बात कर रहे हैं? क्लॉज नंबर सेवन बात कर रहे हैं क्लॉज नंबर सिक्स में एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए जो तीन पर्पसेस को स्पेसिफाई किया गया है, वो तीन स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए अगर एम्प्लॉय ने खुद एक्चुअल में एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया बट उसका अल्टीमेट पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कर दिया है, मतलब ऑब्लिगेशन मोड के थ्रू और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू। देखो जो तीन पर्पसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो तीन स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए एम्प्लॉय ने एक्चुअल में एक्सपेंडिचर इनकर किया बट वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर का अल्टीमेट पेमेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया तो कैसे किया? ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन मोड के थ्रू और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू। तो ऐसा सिचुएशन में एम्प्लॉय को जो बेनिफिट हो रहे वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। बट अगर वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसिडर किया जाता तो कैसा नेचर का परक्विजिट होता? अब बताओगे कि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर तो एम्प्लॉय ने इनकर्ड किया बट उसका अल्टीमेट पेमेंट एम्प्लॉय ने कर दिया ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू। तो ऐसा सिचुएशन में एम्प्लॉय को जो बेनिफिट हो रहे वो बेनिफिट अगर परक्विजिट होते तो उसको ऑब्वियसली ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट नेचर वाला परक्विजिट कंसिडर किया जाता। बात आपको समझ में आ रहा है बेसिक डिफरेंस कहां है? देखो जो क्लॉज नंबर सेवन है, क्लॉज नंबर सेवन अगर परक्विजिट होते तो कैसा नेचर का परक्विजिट होते? आप बताओगे वो ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट नेचर वाला परक्विजिट होते। तो इसको हम लिख रहे हैं ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट नेचर वाला परक्विजिट होते, रिइंबर्समेंट। बात आपको समझ में आया? और क्लॉज नंबर सिक्स वाला, चलो क्लॉज नंबर सिक्स को भी लिखते। क्लॉज नंबर सिक्स अगर परक्विजिट होते तो कैसा नेचर का परक्विजिट होते? क्लॉज नंबर सिक्स अगर परक्विजिट होते तो फैसिलिटी नेचर का परक्विजिट होते। बात समझ में आ गया? चलो क्लॉज नंबर सिक्स को अभी हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। क्लॉज नंबर सिक्स स्टडी करने में क्लॉज नंबर सेवन का स्टडी भी हो जाएगा। क्लॉज नंबर सिक्स में क्या बात किया गया देखो, क्योंकि फर्क तो आपको समझ में आ गया ना। क्लॉज नंबर सिक्स में क्या हो रहा है? क्लॉज नंबर सिक्स में एम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे। क्लॉज नंबर सेवन में क्या हो रहा है? क्लॉज नंबर सेवन में एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर एक्चुअल में इनकर किया बट उसका अल्टीमेट पेमेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया है ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू। यही तो फर्क है दोनों के बीच में। देखो लिखा जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया में एम्प्लॉय का और नहीं तो एम्प्लॉय का फैमिली का कोई मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस में एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय ने इनकर किया, दिस इज नंबर वन पर्पस। सेकेंड, ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ सच एम्प्लॉय फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो एम्प्लॉय का खुद का नहीं तो एम्प्लॉय का फैमिली का कोई मेंबर का मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो आउटसाइड इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टेन करने का पर्पस में पेशेंट को तो आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर आउटसाइड इंडिया में जाकर स्टे भी करना पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑप्टेन करने का पर्पस में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो ट्रैवल एंड स्टे रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, ट्रैवल एंड स्टे रिलेटेड एक्सपेंडिचर वो कौन इनकर किया? वो एम्प्लॉय ने इनकर कर दिया। बात आपको समझ में आया? दिस इज सेकेंड पर्पस। थर्ड पर्पस को स्टडी करो, देखो क्या लिखा गया। Travel and stay abroad of one attendant who accompanies the patient in connection with such treatment. देखो चाहे employee का खुद का चाहे employee का family का कोई member का medical treatment हो रहा है outside India, ऐसा situation में वो medical treatment patient तो obtain करने के लिए जाएंगे but patient का भारी बीमारी हुआ है तभी तो वो outside India treatment लेने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन में पेशेंट अकेला जाएगा ट्रीटमेंट ऑप्टेन करने के लिए? ऑब्वियसली पेशेंट के साथ कोई ना कोई एक अटेंडेंट तो अकम्पेनी करेंगे पेशेंट को।
तो वन अटेंडेंट जो एकॉम्पनी करेंगे, वन अटेंडेंट का ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड का जो खर्चा है वो खर्चा एम्प्लॉय ने इनकर कर दिया। तो एम्प्लॉय को जो सारा बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन? नीचे स्पेसिफाई किया गया ए एंड बी, देखो ए एंड बी वाला टर्म्स एंड कंडीशन स्टडी करो। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ए, ए में क्या लिखा जा रहा है? द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, दिस इज नंबर वन, एंड स्टे अब्रॉड, दिस इज नंबर टू, शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परक्विजिट ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द आरबीआई। तो पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है एंड पेशेंट एंड पेशेंट के साथ वन अटेंडेंट का स्टे अब्रॉड का जो खर्चा है वो खर्चा एम्प्लॉय ने इनकर्ड किया, वो खर्चा जितना तक आरबीआई परमिट करेंगे उतना तक एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होने के बाद भी उसको परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बारे में बात कर रहा है कंडीशन ए। कंडीशन बी में क्या लिखा गया? कंडीशन बी में लिखा गया द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम परक्विजिट ओनली इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉय हुज ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सेड 2 लाख रुपीज। मतलब अप टू रुपीज टू लैक्स। क्या बात किया जा रहा है? कंडीशन बी बात कर रहे हैं कि पेशेंट का एंड पेशेंट के साथ वन अटेंडेंट का जो ट्रैवल का खर्चा है आउटसाइड इंडिया, वो ट्रैवल का खर्चा को एम्प्लॉय ने इनकर किया है, वो खर्चा एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, बट वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक है तो ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन जब करोगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो बेनिफिट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब बेनिफिट को कंसिडर ना करते हुए, वो सब बेनिफिट अगर परक्विजिट है तो वो बेनिफिट परक्विजिट होने में उसका वैल्यू को ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल करना पड़ेगा अंडर दैट सैलरी। वो सब बेनिफिट को कंसिडर ना करते हुए जो ग्रॉस टोटल इनकम आपने कंप्यूट किया है, वो ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2 लाख तक है एम्प्लॉय का, तो ऐसा सिचुएशन में ट्रैवल का जो खर्चा एम्प्लॉय ने इनकर्ड किया है वो खर्चा एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होने के बाद भी उसको परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा। बात आपको समझ में आ गया? तो क्लॉज नंबर 6 का स्टडी कंप्लीट होता है। क्लॉज नंबर 7 को एक बार फ्रेश हम लोग देखेंगे। क्लॉज नंबर 7 में आप लोग आ जाओ, क्लॉज नंबर 7 को एक बार हम लोग फ्रेश देखेंगे। क्या लिखा जा रहा है? एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर 6 सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन और अंडर दैट क्लॉज, मतलब क्लॉज नंबर 6। तो क्लॉज नंबर 7 बेसिकली बात कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय का और नहीं तो एम्प्लॉय का कोई फैमिली का मेंबर का आउटसाइड इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में आउटसाइड इंडिया जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा एम्प्लॉय तो एक्चुअल में इनकर किया है, बट वो खर्चे का अल्टीमेट पेमेंट एम्प्लॉय ने कर दिया एम्प्लॉय को ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू, दिस इज नंबर 1। सेकंड, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया ऑप्टेन करने का पर्पस में पेशेंट को, चाहे पेशेंट एम्प्लॉय हो जाए चाहे पेशेंट एम्प्लॉय का फैमिली का कोई मेंबर हो जाए, पेशेंट को आउटसाइड इंडिया विजिट तो करना पड़ेगा एंड आउटसाइड इंडिया स्टे भी करना पड़ेगा, तो ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड आउटसाइड इंडिया पर्पस के लिए जो खर्चा है वो खर्चा एक्चुअल में एम्प्लॉय तो इनकर्ड किया बट उसका अल्टीमेट पेमेंट एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को कर दिया है ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू। थर्ड बात किया जाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया पेशेंट जब ऑप्टेन करने के लिए जाएंगे पेशेंट के साथ वन अटेंडेंट तो जाएगा, तो वन अटेंडेंट का ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड का जो खर्चा है, वो खर्चा एम्प्लॉय ने एक्चुअल में इनकर्ड किया बट अल्टीमेटली उसका पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर दिया है ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू, तो ऐसा सिचुएशन में एम्प्लॉय का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट को परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? देखो टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा है जैसा क्लॉज 6 में लिखा गया था। क्लॉज 6 में ए एंड बी दो कंडीशन था, तो ए एंड बी एप्लीकेबल होगा क्लॉज नंबर 7 का पर्पस में भी। ए एंड बी क्या है? देखो ए में बात किया गया है कि पेशेंट का जो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है एंड पेशेंट एंड अटेंडेंट का जो स्टे अब्रॉड का खर्चा है वो खर्चा एक्चुअल में एम्प्लॉय इनकर्ड किया क्लॉज नंबर 7 में, बट उसका ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू एम्प्लॉयर से पेमेंट मिल गया है, तो वो खर्चा को उतना तक परक्विजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा जितना तक आरबीआई परमिट करेंगे। और बी में बात किया जा रहा है, कंडीशन का बी में बात किया जा रहा है कि पेशेंट का बोलो और पेशेंट के साथ वन अटेंडेंट का बोलो, उनका जो ट्रैवल का खर्चा है वो ट्रैवल का खर्चा एम्प्लॉय ने एक्चुअल में इनकर्ड किया था और उसका ऑब्लिगेशन और रिइंबर्समेंट मोड के थ्रू एक्चुअल पेमेंट कर दिया एम्प्लॉयर ने,
तो ऐसा सिचुएशन में जो बेनिफिट हो रहे वो बेनिफिट को पर यूजर कंसीडर नहीं कीजिएगा अगर एम्प्लॉय का ग्रॉस टोटल इनकम ₹2 लाख तक है तो। बात समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ का मतलब दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। देखो दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज ऑल्सो ए प्रोवाइसो, लिखा गया ना प्रोवाइडेड मिला आपको ऑल्सो ए प्रोवाइसो। अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का फर्स्ट प्रोवाइसो को। सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का फर्स्ट प्रोवाइसो के अंडर 7 क्लॉजेस मेंशन था। 7 क्लॉजेस का स्टडी अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ रिप्रेजेंट सेकेंड प्रोवाइसो। किसका सेकेंड प्रोवाइसो? सेकेंड प्रोवाइसो टू सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2। बेसिकली इसका अलाइनमेंट गलत है, लेफ्ट हैंड साइड के तरफ इसका अलाइनमेंट होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक टैप प्रेस हो गया। बात आपको समझ में आ रहे? वो टैप प्रेस नहीं होना चाहिए था, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड के तरफ होना चाहिए था। फर्स्ट प्रोवाइसो, फिर ये सेकंड प्रोवाइसो है। देखो लिखा जा रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अगर ये सेकंड प्रोवाइसो ना होते तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट क्यों होते? प्रोवाइडेड फर्दर दैट, दिस पर्टिकुलर फ्रेज को हम लोग मेंशन करते हैं सेकंड प्रोवाइसो के केस में, तो फर्स्ट प्रोवाइसो कहां गया? फर्स्ट प्रोवाइसो ऑलरेडी स्टडी किया है हम लोगों ने, फर्स्ट प्रोवाइसो ऑलरेडी स्टडी किया है सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का फर्स्ट प्रोवाइसो का अंडर 7 क्लॉजेस को स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट का माइंड में कभी कभी कंफ्यूजन चलता है कि दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है ना, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ क्लॉज नंबर 7 जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, क्लॉज नंबर 7 का प्रोवाइसो है, क्लॉज नंबर 7 का प्रोवाइसो नहीं है। बात आपको समझ में आ रहा है? सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 जो है उसका फर्स्ट प्रोवाइसो के अंडर 7 क्लॉजेस है एंड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ रिप्रेजेंट सेकंड प्रोवाइसो। देखो बात किया जाए प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज मिला आपको शैल अप्लाई टू एनी एम्प्लॉय हुज इनकम अंडर दैट सैलरीज डज नॉट एक्सेड 1 लाख रुपीज, मतलब अप टू रुपीज 1 लाख होना चाहिए एम्प्लॉय का सैलरी, तब जाके दिस पर्टिकुलर प्रोवाइसो एप्लीकेबल होगा। क्या बात किया जा रहा है? बात किया जा रहा है कि सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 में जितना सारा परक्विजिट को मेंशन किया गया है, आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज नंबर 1 से सब क्लॉज नंबर 8 परक्विजिट को मेंशन किया गया। बेसिकली 8 परक्विजिट नहीं है वहां पे, तो 9 टाइप्स का परक्विजिट को मेंशन किया गया है, क्योंकि क्लॉज नंबर 7 के बाद आता है क्लॉज नंबर 7A। तो सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 के अंडर जितना सारा परक्विजिट्स को मेंशन किया गया है वो सब परक्विजिट्स को टैक्सेबल कंसीडर नहीं किया जाएगा वो एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉय का सैलरी हेड का इनकम अप टू रुपीज 1 लाख है। इसके बारे में बात किया सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का सेकंड प्रोवाइसो। बात आपको समझ में आ गया? तो सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का फर्स्ट प्रोवाइसो एंड सेकंड प्रोवाइसो दोनों प्रोवाइसो को हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा सेक्शन नंबर 17 क्लॉज नंबर 2 का, ये दोनों प्रोवाइसो को अच्छा तरीके से स्टडी करके एनालाइज करके आपका माइंड में अगर क्वेश्चन कुछ अराइज करे तो क्वेश्चन मुझे भेजना। क्लियर?